नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, डेट भी लग गई है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को होगी। शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश को चुनौती देने के लिए पिछले दिनों याचिका दाखिल की थी। अब सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ 20 मई 2020 को कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई करेगी। लेकिन इधर कुछ अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। मंत्री जी ने एक बार कहा कि फार्म संशोधन का मौका मिलेगा। अब पीएनपी के द्वारा कहा जा रहा है कि फार्म संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों ने जानकारी दी है, केवल मोबाइल नंबर चेंज करने का मौका मिलेगा। ऐसे में कई हजार अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है, उनका सपना टूट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि अगर फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं मिलेगा तो करियर बर्बाद होगा। और वैकेंसी अगले साल आएगी, और वैकेंसी अगले साल आएगी कब पूरी होगी इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पीएनपी को इस पर विचार करना चाहिए, शासन स्तर पर बैठक की जानी चाहिए। और जो अभ्यर्थी इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, जिनके फॉर्मेट त्रुटि है, उन्हें संशोधन का मौका मिलना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। आगे कोई जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।